तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि मैं ब्राउन गाड़ी लेके जा रहा हूँ इस लंबे चौड़े रोड में और क्या ही गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। और इसमें बहुत सामान है, बहुत खतरनाक सामान है। तो आप लोग कुछ सामान के बारे में नहीं बताऊंगा। चलो चलते आगे के मौत का घाट दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुसीबत आने वाला। और देखो बीच में आ चुके बड़े बड़े पत्थर 3। ओ नहीं, क्या इसको पार कर सकता हूँ मैं? ओ भोसड़ी वाली, ये क्या हो गया गाड़ी का? ये तो भाई पूरा जो इंसान बैठेगा गाड़ी को वो तो मर जाएगा भाई, बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। मेरे सामान मैं लेके नहीं जा पाया, अपना बहुत ही कीमती सामान था इसके अंदर। अरे बॉक्स भी चिपटा गया साला, डब्बा भी टूट गया। चलो ये देखो भाई आ चुका है ऑपरेटिंग साला, कैसा नाव बोट जैसा मुंह लेके, नाव जैसा। चलो इसको चलाते हैं। अरे भाई क्या आवाज क्या करता है ये तो, स्पीड देखो इसका क्या स्पीड है भाई। ये तो क्या कमाल की, क्या ये बच जाएगा मेरे को लग रहा है। नहीं बचेगा। ओ भाई सब क्या भाई आगे का तो कुछ बच ही नहीं रहा है भाई, इतना खतरनाक टक्कर हो रहा है भाई क्या बताए। देखो क्या हो रहा है इस गाड़ी के साथ कि कमाल का ठोकर मारा भाई, सब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन तब भी इंजन इसका स्टार्ट है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे भाई साहब गाड़ी चालू है। अरे भाई अरे इसका पीछे इंजन है इससे चालू है। अरे रुक, इसके पीछे इंजन इसलिए चालू है। साली गाड़ी कितना जिंदा है, अभी भी नहीं मरा ये। चलो नेक्स्ट गाड़ी में बढ़ते हैं। तो ये काली गाड़ी को लेके जाएंगे इस बार। साला काली गाड़ी ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है भाई, क्या बताऊं क्या गाड़ी लग रहा है भाई ये तो। क्या ये बच्चा, ये आई थिंक ये गाड़ी थोड़ा मजबूत होगा। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो मजबूती देख रहे हो। ओह उतना भी मजबूत नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये मजबूत गाड़ी नहीं है, बहुत ही बेकार गाड़ी है। देखो क्या हो गया, ये बंद पड़ गया, इसका आगे की तरफ इंजन इसलिए बंद पड़ गया। पहल डन। आप लोग मान लो सिर्फ कि इसमें बहुत सारे बच्चे जो पिकनिक मनाने जा रहे हैं खुले रेगिस्तान के रास्ते में, और अचानक से पत्थर आ जाए बीच में, 3 बड़े बड़े। और क्या होगा इस बच्चों का? और बच्चों के साथ एक सेक्सी टीचर भी है, जो मैडम है बहुत ही खूबसूरत और सेक्सी, वो आगे की तरफ बैठा है, ड्राइवर भी। और देखो क्या होता है इनके साथ। अरे कुछ नहीं होगा। ओ मतलब कि सेक्सी टीचर के वजह से ये लोग बच्चे बच जाएंगे। दैट्स इज गुड, वेरी गुड। वो भाई साहब मतलब कि बच्चे लोग बच जाएंगे, इनका कुछ नहीं होगा, ड्राइवर भी बच जाएगा। देखो गाड़ी एकदम परफेक्ट है। बस क्या, बस भाई मैं सोचता कि बस पलट जाएगा, टूट फूट जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चीर फाड़ के आया, एकदम चीर फाड़ के आया। चलो इस बस को और एक बार ट्राई करते, और एक बार इसको कचुमार बनाएंगे, नहीं तो नहीं मैं मानूंगा। अभी देखता हूँ। देखो पिछले बार तो ये बच गया था, लेकिन क्या ये सेक्सी टीचर बचा पाएगा? क्योंकि मैं साइड वाला पत्थर में ठोकर मारने वाला हुआ, और टीचर की लारी वो सब कुछ निकल जाएगा, पेट के अंदर जो भी है। सेक्सी टीचर मर जाएगी अब इस बार, और बच्चे लोग भी। अरे नहीं हुआ ये। अरे ब्रेक मार। ओ इस बार भी कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा टायर को वो डैमेज हुआ। भाई साहब क्या बस है ये, इतना तगड़ा बस, मतलब कि बच्चे लोग पिकनिक मना सकते। सेक्सी टीचर जब तक है तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब देखो बस को कुछ नहीं होगा, बच्चे बच जाएंगे, सब कुछ सारे कुछ बच जाएंगे, क्योंकि बस बहुत मजबूत निकला भाई, बस सबसे ज़्यादा मजबूत है। देखो मान लो तुम लोग कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुपर कार में बैठ के जा रहे हो, तुमको पता नहीं है तुम किस कर रहे हो बीच रोड में, और तुमको पता नहीं कि बीच में पत्थर है बहुत ही सारा। और क्या होगा तुम लोगों का? तुम मर जाओगे। बस इतना ही था तुम्हारा कहानी। तुमको किस करने के लिए मैंने मना किया था, तुम निपा निपी निकलोगे मुझे पता ही नहीं था, लेकिन तुम मर जाओगे। लेकिन गाड़ी चालू है। ओ भाई साहब गाड़ी इंजन अभी भी चालू, क्योंकि इंजन इसका डैमेज नहीं हुआ है। पीछे की तरफ इसका इंजन है, इसलिए कुछ नहीं हुआ। मतलब कि तुम मर जाओगे, गाड़ी को कुछ नहीं होगा, ये इसका कारण है। उदाहरण क्या कहते हैं, अरे कुछ भी कहे, लेकिन तुम मर जाओगे इतना पता है, और कुछ नहीं पता मेरे को। तो ये रहा हमारा खतरनाक एम्बुलेंस, ग्रीन बॉक्स वाला आ चुका है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस। ये सबको चीर फाड़ देता है, क्योंकि ये लेके जा रहे हैं ग्रीन बॉक्स। वेरी डेंजरस कार एंड क्या ही बताएं इसके बारे में। और वेरी सक्सेसफुल कार एंड जिस मौत का घाट से सक्सेसफुली बाहर निकलने के लिए। चलो हम देखते हैं इस बार क्या होता है इस गाड़ी के साथ। निकलने का बहुत ट्राई और पत्थर को हिला दिया। बहुत ही खतरनाक बात है ये। और पहिए को कुछ भी नहीं हुआ, इंजन गया। ओह ज़्यादा कुछ टूटा नहीं, मतलब कि ड्राइवर को थोड़ी चांस है बचने का इसमें। ये भी मजबूत गाड़ी, मैंने बोला था वेरी मजबूत कार एंड सक्सेसफुली ये कर लेगा। और दैट्स इज रिजल्ट, देख सकते हो रिजल्ट। तो अनदर नेक्स्ट खतरनाक गाड़ी एंड वेरी डेंजरस, वेरी स्पीड एंड क्या बताओ इस गाड़ी के बारे में। ये एकदम ये बच जाएगा मेरे को लग रहा है। और ये इसको पता चल गया, कमाल की बात। ये पत्थर में ओ भाई साहब, क्या चालाक गाड़ी ये भी। वेरी चालाक कार, वेरी चालाक कार। उसको पता था उस बीच में पत्थर है, लेकिन तब भी नहीं गया यार। इतना चालाक भी होना नहीं बनता। लेकिन देखो अभी इसको मैं पूरा मार के रहूँगा क्योंकि आई एम बॉस दिस कार। तो अभी देखो ये बस तो गया गाड़ी। देखो क्या बचा है भाई साहब, कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी के साथ, कुछ भी नहीं हुआ। और क्या बताओ इस गाड़ी के बारे में। और क्या चाहिए तुमको, और क्या चाहिए इतना डेंजरस गाड़ी है भाई साहब। आप देखो मैं सोच, तुम लोग सोच रहे कि मैं चीटिंग किया, नहीं मैं चीटिंग नहीं किया। देखो तब भी मैं मजबूती दिखा रहा था इस गाड़ी को। मजबूती यार, मजबूती देखो गाड़ी का यार, मजबूती देखो यार, यही तो है मजबूती असली। और क्या चाहिए आपको गाड़ी में। तो देखो पेट्रोल कार तो बहुत देख लिया हमने, अब इलेक्ट्रिक कार देखेंगे क्या कमाल कर सकता है ये। पिछला वाला गाड़ी बहुत चालाक निकला था, क्या ये गाड़ी चालाक निकल गई क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है। और बहुत ही कमाल की स्पीड पकड़ते हुए। और क्या बात है, क्या बात है भाई। इलेक्ट्रिक कार तो दमदार निकला भाई, कितना मजबूत कार होता आपको पता नहीं। इलेक्ट्रिक कार चालू है गाड़ी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि इसका पिचका गया पूरा एकदम। क्या ही बताए इस गाड़ी के बारे में। गाड़ी की लेकिन गाड़ी देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, चालू है अभी भी गाड़ी, मतलब कि इतना कुछ नहीं हुआ।